दोस्तों टिकटॉक बैन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक बैन इंडिया में नहीं होगा। दोस्तों सिर्फ टिकटॉक का रेटिंग प्ले स्टोर में घटने से टिकटॉक बैन नहीं होगा। दोस्तों टिकटॉक बैन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और टिकटॉक का रेटिंग प्ले स्टोर से घटने से क्या क्या होता है, ये सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। आप सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों एक बात, आप यदि मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ऑल सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार, यू आर वॉचिंग संजीव टॉक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके आप क्या चाहते हैं, टिकटॉक बैन होना चाहिए कि नहीं, ये कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों आप यदि चाहते हैं टिकटॉक बैन होना चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले आप लोग क्या चाहते हैं, टिकटॉक बैन होना चाहिए कि नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में मेन टॉपिक की तरह चलते हैं। दोस्तों टिकटॉक का रेटिंग प्ले स्टोर से घटने से टिकटॉक बैन नहीं होता है। रेटिंग घटने से क्या क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टिकटॉक इंडिया में बैन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। दोस्तों टिकटॉक का रेटिंग प्ले स्टोर से घटने से टिकटॉक ऐप प्ले स्टोर का ट्रेंडिंग सेक्शन में शो नहीं होगा और प्ले स्टोर किसी भी यूजर्स को टिकटॉक ऐप रिकमेंड नहीं करेगा और कुछ नहीं होगा टिकटॉक का रेटिंग प्ले स्टोर में घटने से। दोस्तों आप यदि अभी तक टिकटॉक को रेटिंग नहीं दिया है तो आप प्ले स्टोर में जाके टिकटॉक को रेटिंग दे दीजिए। दोस्तों पहले मैं आपको दिखा देता हूँ टिकटॉक को कैसे रेटिंग देना होगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा टिकटॉक को बैन करने के लिए क्या क्या करना होगा। दोस्तों टिकटॉक को रेटिंग देने के लिए थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, उसके बाद दोस्तों आप टिकटॉक को रेटिंग दे दीजिए। दोस्तों टिकटॉक को रेटिंग देने के बाद पोस्ट बटन का ऊपर टैप कर दीजिए, उसके बाद दोस्तों टिकटॉक को रेटिंग देना हो जाएगा। दोस्तों टिकटॉक को बैन करना तो इतना इजी नहीं, लेकिन दोस्तों जनता चाहेगा तो सब कुछ कर पाएगा। दोस्तों पहले टिकटॉक ऐप को आपके मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दीजिए, उसके बाद दोस्तों प्ले स्टोर में आके टिकटॉक ऐप सर्च कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों ऊपर में 3 डॉट का ऊपर टैप कर दीजिए, उसके बाद दोस्तों फ्लैग एच इन अप्रोप्रिएट बटन के ऊपर दोस्तों आपका मनपसंद कोई भी एक ऑप्शन चूज करके सबमिट बटन के ऊपर टैप कर दीजिए। और दोस्तों इसी तरह टिकटॉक लाइट ऐप को सर्च कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों इस ऐप को भी रिपोर्ट कर दीजिए, ताकि दोस्तों टिकटॉक ऐप और टिकटॉक लाइट ऐप प्ले स्टोर से रिमूव हो जाए। दोस्तों हम लोग तो इतना ही कर सकते हैं। दोस्तों जितना तो हम लोग का हाथ में है उतना तो कर दीजिए, और बाकी सब कुछ तो गवर्नमेंट और कोर्ट का ऊपर निर्भर करता है। गवर्नमेंट और कोर्ट जो डिसाइड करेगा वही होगा। और दोस्तों एक बात, अब यदि चाहते हैं टिकटॉक बैन हो जाए तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बस इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसी तरह ट्रस्टेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए संजीव टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।